राजकुमार आनंद जी ने जो अपना पड़ाव शुरू किया है वो माता सावित्री बाई फुले के जन्मदिन से शुरू किया है और जल्द ही मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती आ रही है। मैं चाहूंगा कि राजकुमार आनंद जी जो है यहाँ पर जो है उत्तर भारत के हमारे राजनीति पिता मान्यवर साहब कांशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण करें और उसके बाद केजरीवाल जी की जो है फिर वो भूमिका देखें, उनका काम देखें। केजरीवाल जी जो RSS का छोटा रिचार्ज है और वो कैसे जो है बाबा साहब की विचारधारा को जो है हजम कर पाएंगे। जो आपको डर नहीं लग रहा उनके मंत्री के यहाँ बैठकर ऐसी बात कर? किसको? केजरीवाल के मंत्रालय में मुझे जो है केजरीवाल की सरकार में ना तो मुझे MLA बनना, ना मुझे मंत्री बनना और ना मुझे भविष्य में मंत्री और MLA की लालसा है इनकी पार्टियों में। अगर मुझे मंत्री और MLA और सांसद बनना है तो मेरा बहुजन समाज जब मुझे चाहेगा मुझे उस पदवी पे लेके जाएगा। आज केजरीवाल की बाबा साहब के साथ फोटो आ रही है, दलित समाज के नेता ही छाप रहे। देखिए केजरीवाल की जो फोटो बाबा साहब के साथ आ रही है वो अपॉर्चुनिस्ट जो लोग हैं, ठीक है ना, जो बात तो बाबा साहब अंबेडकर की करते हैं लेकिन अपना आका जो है वो केजरीवाल को मानते हैं, ये दोहरा मापदंड जो है ना ये नहीं चलेगा। और बहुत सारे रास्ते पे हैं, राजकुमार आनंद जी अगर उस रास्ते पे चलेंगे तो राजेंद्र पाल गौतम जी की तरह, संदीप वाल्मीकि जी की तरह जो ना तीसरा हशर उनका भी होने वाला, अब लिख के जल्दी हो जाएगा ये। भगवत गीता में बैठ रहे राजकुमार, अगर राजकुमार आनंद जी भगवत गीता में बैठ रहे हैं तो भगवत गीता उनको मंत्री बना देती ना। अगर राजकुमार आनंद जी, अगर भगवत गीता ने अगर राजकुमार आनंद जी को मंत्री बनाया होता तो हजारों साल पहले बना चुकी होती वो जो प्रलोभन की बातें करते हैं, ठीक है ना। गीता ने उसको मंत्री नहीं बनाया, मंत्री बनाया बाबा साहब अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाई गई व्यवस्था ने। अगर राजकुमार आनंद जी भगवत गीता में बैठते हैं तो गीता को लेके चले ना वो करे। खुशी होनी चाहिए आप लोगों को, आपका मेयर बनने वाला है। देखिए हमारा देखिए तमाम दलितों ने, देखिए ये गांधी जी के साथ जो पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ था उसमें से बहुत सारे नालायक बच्चे जो है वहां से कूद के दूसरे पाड़े में चले गए, ठीक है ना। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, ठीक है ना, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ से कूद के उस पाड़े में जाएंगे, उनके गले में पट्टा जो होगा ना उनके आकाओं का होगा और वो वैसे ही बोलेंगे। वोट आप देते हैं किसको? हम राज्यसभा बनिया, हमारा वोट केवल और केवल संविधान में निष्ठा रखने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी को और बहन मायावती को जाता और अंतिम समय तक जो है ना हाथी पे वोट जाता रहेगा। मुस्लिम समाज ने अभी आईना दिखाया, देखिए उनका डिप्टी मेयर का प्रत्याशी घोषित हो गया। देखिए एक झटके में कर दिया, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए आपके तो मंत्री पद छीने जाते हैं। देखिए मंत्री पद इसलिए छीने जाते हैं, माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक आयोग में पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे भाइयों का मुस्लिम समाज का है। आप वहाँ पर देखें बुद्धिस्टों के लिए जो है कोई सदस्यता नहीं है, कोई मेंबर नहीं है बुद्धिस्ट बोर्ड में जो है, सिख बोर्ड में सिखों के लिए अल्पसंख्यक में सदस्य है, ईसाइयों में सदस्य है, लेकिन बुद्धिस्टों का जो है किसी भी माइनॉरिटी कमीशन में अभी तक नहीं है, ना दिल्ली में है ना ही मेरे हिसाब से नेशनल में है। गलत कर रहा हूँ आपकी भी ठीक ठाक आबादी हमारी। मुस्लिमों से केजरीवाल डर सकते हैं तो आपसे क्यों नहीं डरते? हमारे जो बहुत सारे जो नुमाइंदे हैं जो बहुजन की बात करते हैं, जो बाबा साहब की बात करते हैं, वो जो है वहां जाके उनके पांव में ना दंडवत हो जाते हैं, इसलिए जो हमारे रिप्रेजेंटेशन पे जो है ना एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लोगों को उम्मीद थी कि CM तो नहीं बना दिल्ली का दलित, ना कोई डिप्टी CM दलित बना, ना कोई राज्यसभा दलित भेजा, मेयर तो बन सकता है? नहीं बन सकता, कभी नहीं नाम आया, मेयर भी नहीं बनेगा। आपस में जब तक लड़ते रहेंगे वो लड़वाते रहेंगे, इनको होमवर्क दिया कि तुम आपस में लड़ते रहो वो फूट डालेंगे, राज करेंगे हमेशा से, ये होता रहा। सवाल क्यों नहीं करते अपने नेताओं किसको? हमारे नेता कौन हैं? हमारे नेता वो हैं जो 22 प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाओं की बात की, बाहर निकाल दिया। अब राजेंद्र पाल गौतम जी को भी ये बात समझ में आ रही है कि अगली बार ना तो मुझे MLA का पद मिलने वाला, ना मुझे मंत्री पद मिलने वाला, ना मुझे MP का टिकट मिलने वाला, और ना ही मैं लोकसभा जा सकता, ना ही मैं राज्यसभा जा सकता। उम्मीद पूरी लेकर बैठे हैं अभी? पूरी उम्मीद रखने से कुछ नहीं होता। पार्टी से इस्तीफा जो है आज भी केजरीवाल ही है, भले ही उनका
का नेता केजरीवाल है, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी को बैकफुट पे अपने आप आ जाएंगे वो लोग जो, इसीलिए पूरे देश में जो है यात्रा शुरू हो गई है। मिशन जय भीम अगर चलाना है तो केजरीवाल को नकारना पड़ेगा। मिशन जय भीम जो है केजरीवाल की बपोती नहीं है, ठीक है, वो बाबा साहब अंबेडकर की विचारों की बपोती है। तो राजकुमार आनंद फोटो पे लक्ष्मी छपनी चाहिए उसके साथ है या 22 प्रतिज्ञाओं के साथ है? 22 पर मेरे हिसाब से राजकुमार आनंद को 22 प्रतिज्ञाओं के साथ होना चाहिए। अगर 22 प्रतिज्ञाओं के साथ राजकुमार आनंद नहीं है तो राजकुमार आनंद को हम लोग जो बहुजनों का नेता स्वीकार नहीं करते हैं। तो बहुजनों के नेता है राजकुमार आनंद? राजकुमार आनंद जी जो है माता सावित्री बाई फुले के जन्मदिन पर जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुजनों का नेता बनूं, ठीक है। अगर उनको बहुजनों का नेता बनना है तो राजेंद्र पाल गौतम जी की तरह जो 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, गीता को छोड़कर भारत का संविधान हाथ में लेना पड़ेगा और बाबा साहब की शिक्षाओं के ऊपर ना अमल करना पड़ेगा। आपको लगता है विजय जी राजनीति में ये सब चीज पॉसिबल है? देखिए राजनीति में सारी चीजें पॉसिबल हैं। मैं तो आज भी राजकुमार आनंद जी से कहता हूं अगर गीता से उनका भला होता है, ठीक है, तो वो आए ना मीडिया के सामने अपनी बात रखे कि हम लोग जो है तो नहीं कर रहा, सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं ना। देखिए राजनीति में तो देखिए राजनीति में सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, वो उनकी अपनी नैतिक वो है, व्यक्तिगत है कि वो गीता में जा रहे हैं वो कहां जा रहे हैं। लेकिन दलित समाज जो है अगर राजनीति में रहना तो क्या दिक्कत है? अगर राजकुमार आनंद मंदिर जाए मस्जिद जाए क्या दिक्कत है? मोदी जी नहीं जा रहे हैं तो केजरीवाल जी नहीं जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जय भीम भी बोलते हैं। केजरीवाल जी अगर लक्ष्मी की फोटो भी छपवाते हैं, अगर केजरीवाल जी जय भीम बोलते हैं, यही केजरीवाल जी 2017 में भाई सुनील जी भी थे हमारे सभी साथी थे, बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर 100 नंबर पे फोन करके जो है 67 बार जो है 100 नंबर पे फोन करते हैं बाबा साहब की श्रद्धांजलि को बंद करने के प्रोग्राम के लिए जो है 26 अलीपुर रोड वाले प्रोग्राम के लिए जो है, ठीक है ना। यही केजरीवाल जो है बाबा साहब के सपना पूरा होने की बात करते हैं, दिखावा करने से कुछ नहीं होता, समझे ना मेरी बात। विचारधारा पर चलना पड़ेगा। अगर आज हम लोग सावित्री बाई फुले की बात करते हैं, सावित्री बाई फुले ने कभी गीता नहीं उठाई थी हाथ में जो है, ठीक है ना, कभी कोई पुराण नहीं उठाया था, उन्होंने जो है पेशवाई व्यवस्था को लात मार के जो है ना मनुवादी व्यवस्था को लात मार के जो है मातृशक्ति के लिए रास्ता आगे प्रस्त किया था जो है, समझे ना। अब इस बात को जो है ऐसे नहीं जो है कुर्बानी देनी पड़ती है। तो महापुरुषों के मिशन को बेचा जा रहा है आपकी नजर में? मेरे नजर में महापुरुषों के मिशन को ये अभी ये बेच नहीं रहे हैं, ठीक है ना, सौदा कर रहे हैं अभी। अभी क्या है कि ये बाबा साहब ने एक व्यवस्था की, बाबा साहब की व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये MLA बने, उसी व्यवस्था के अकॉर्डिंग मंत्री बने, राजेंद्र पाल गौतम जी भी बने थे, संदीप भी बना था पहले जो है। मानते कहां सर, अगर नहीं मानते, अगर नहीं मानते आज राजेंद्र पाल गौतम जी मानने लगे, आज मान रहे हैं ना, आज मानने हैं ना, तो राजकुमार आनंद जी भी मानने लग जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। वाल्मीकि भी मान रहे हैं, संदीप वाल्मीकि जी तो पखर कहते हैं, ठीक है ना। मेरे तो पिता साहब कांशीराम जी हैं, जिनको कभी कांशीराम जी के बारे में पता भी नहीं था, आज वो खुद कहते हैं मेरे पिता कांशीराम जी हैं। ये चैलेंज है राजकुमार आनंद के लिए कि मान्यवर साहब की जयंती वो मना पाएंगे इस ऑफिस में, नहीं मना पाएंगे, ये चैलेंज है। और ये जो है मैं तो राजकुमार आनंद जी से, वो मंत्री बने हैं, उनको नव वर्ष पर जो है मैं बधाई भी दूंगा और उनसे मैं ये निवेदन भी करूंगा कि एक तो जो है इस कोठी में जना साहब कांशीराम जी की प्रतिमा लगाई जाए, दूसरा जो है राजकुमार आनंद जी के लिए जो है एक बहुत बड़ा काम है, हंसराज कॉलेज के पास में जो है अंबेडकर चौक था, राजेंद्र पाल गौतम जी को भी हम लोगों ने उसमें निवेदन किया था कि वो चौक जो है तोड़ दिया गया था जो है, ठीक है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार में तोड़ा गया था, अब वही चौक जो है राजकुमार आनंद जी जो है उसको बनवाने का काम कर, वहां पर जो है बाबा साहब की अष्ट धातु की ना कम से कम 10 फुट की प्रतिमा लगाए, ये राजकुमार आनंद जी के लिए ना बहुजन समाज चैलेंज कर रहा है। तो अभी तो बने बने ना, देखिए ना, ठीक है ना, उम्मीद करिए हमसे, नहीं उम्मीद करेंगे हम लोग, लेटर भी देंगे, हमारी संस्थाएं उनको ज्ञापन भी देंगी इस चीज के लिए जो बाकायदा, और वो चाहे अगर वो चाहेंगे तो हम लोग उनको जो है तन से मन से धन से और रक्त से भी सपोर्ट करेंगे जो हम लोग जो। लेकिन एक बात बताइए विजय जी, इतनी बड़ी आबादी है दलित मुसलमानों की दिल्ली में,
आप लोग अपना शासन क्यों नहीं, अपनी सत्ता क्यों नहीं बना पाते हैं? देखिए शासन और सत्ता जो है, रस खान जी ने एक बात कही थी, राजनीति ऐसी मीठी रस की खान, राजनीति ऐसी मीठी रस की खान, शोषक इसका मरम ना जाने और शासक पी गए छान। ये जो शोषक लोग हैं इन्होंने राजनीति सत्ता का स्वाद नहीं चखा है। राजनीति सत्ता का जो स्वाद जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों ने चखा चार बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, लेकिन आज जो है पूरा उत्तर प्रदेश जो है, पूरा बहुजन समाज जो है राजनीति सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो है छटपटा रहा है और पूरी ताकत के साथ जो है वो काम कर रहा है। अभी दिल्ली के लोगों में जो है, अभी दिल्ली के लोगों में जो चमचागिरी की जो आदत लगी है वो उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो टीवी और बीवी से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। तो हक अधिकारों की बात कहां से करेंगे वो लोग जो, जब तक वो चमचा युग से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, तब तक वो जो है मंत्री मुख्यमंत्री बनना जो है ना उनके लिए बहुत दूर का सपना है।